ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं व्रत और त्योहार 28 मई से 4 जून। मां धूमावती जयंती 28 मई को इस बार पड़ रही है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है, जो धूमावती मां का स्वरूप है। इसकी आप इस दिन पूजा करें, मां को नमकीन का भोग लगाएं, मां का पूजन अर्चन करें, तिल के तेल का दीपक मां के सामने जलाएं, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, सौभाग्यवती और सुहागन औरतें मां की पूजा से बचें। 29 मई को महेश नवमी है। महेश नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके शिव भगवान को जल अर्पित करें, साथ में थोड़े कच्चे चावल और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। 30 मई के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप गंगा जी के घाट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि इतनी मात्रा में गंगा जल ना हो तो एक सूखी बाल्टी में पहले एक ढक्कन गंगा जल का डालें और बाद में उसमें नॉर्मल पानी भरकर उससे स्नान किया जा सकता है। 31 मई को माँ गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का पूजन अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई को ही निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, तो इस दिन जल का दान का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। 31 मई को ही राम लक्ष्मण द्वादशी भी पड़ रही है, जिस दिन राम लक्ष्मण का पूजन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रद्योष व्रत 1 जून को है। वट पूर्णिमा व्रत जो है 3 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को है। साथ ही कबीरदास जी की जो जयंती है वो 4 जून को रहेगी। कुंभ राशि, दिनांक 29 मई से 4 जून, दिन सोमवार से रविवार। यहां पर 30 और 31 मई का जो समय है वो जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। 29, 30 और 31 मई जातक के लिए अशुभ तिथि हैं, यहाँ जातक को सावधान रहना होगा। आइए जानते हैं कि मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। शनि कुंभ राशि के होकर लग्न भाव में विराजमान है। राहु बुध और बृहस्पति मेष राशि के होकर तृतीय भाव में विराजमान है। सूर्य वृषभ राशि के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि जातक को थोड़ा कंजूस बनाता है। शुक्र मिथुन राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है। मंगल कर्क राशि के होकर छठे भाव में विराजमान है, तथा चंद्रमा सिंह राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है। केतु तुला राशि के होकर नवम भाव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो कि आपके लिए शुभ साबित होंगे। 29 से 31 मई के मध्य में आप अचानक किसी भी संकट में पड़ सकते हैं। क्रोध व वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को भी रुपया उधार ना दें, रुपया पैसा उधार ना दें, अन्यथा वापस आने की संभावना ना के बराबर होगी। कोई दुर्घटना अप्रिय घटना के योग है, वाहन चलाने से बचें या वाहन सावधानी से चलाएं। 1 और 2 जून को नवम भाव में चंद्रमा का परिभ्रमण आपके लाभ के मार्ग खोल देगा, जो परेशानियां आई हैं उन सबको सूद समेत लौटा देगा। धन संबंधी मामले में, फंड में, निवेश में, बीमा आदि कार्यों में व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। भागीदारी व पार्टनर से संबंधों में सुधार आएगा, जो मन मुटाव आए थे वो यहाँ पर दूर होंगे। सरकारी कार्यों में स्थितियां व हालात बेहतर बनेंगे। 3 और 4 जून को दशम स्थान के चंद्रमा का परिभ्रमण आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा। कुछ विशेष कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी। आजीविका व कामकाज में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। आप बेहतर कार्यों के लिए भरसक प्रयास भी करेंगे और आपके लिए वे लाभकारी भी होंगे। लोग आपकी वाहवाही और प्रशंसा करेंगे। ऐसे में जातक को चाहिए, क्योंकि इन जातकों की साढ़े सती भी चल रही है, ये जातक प्रत्येक शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, रविवार छोड़कर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, और शनिवार के दिन
चींटियों को मीठा आटा डालें, इनके लिए लाभप्रद होगा।